बड़ी खबर आ रही है, कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों आतंकी 40 किलोग्राम विस्फोटक के साथ आईईडी तैयार करने में जुटे थे। ये विस्फोटक कहां से आया, इसकी जांच करने में खुफिया एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर अब हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी लेकर हाजिर हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या बड़ी खबर है? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं, दोनों शख्स में जो पारे था ये लश्कर तैयबा का स्थानीय कमांडर था, जबकि उसका साथी फुरकान ये पाकिस्तान का रहने वाला था। और इन लोगों के पास, खुफिया एजेंसियों के पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, इन लोगों के पास 40 किलोग्राम से ज़्यादा विस्फोटक था। और इसका आईडी बनाकर ये किसी ऐसे मार्ग पर रखना चाहते थे जहाँ से सुरक्षा बलों की कवायद हो रही हो, यानी सुरक्षा बल की गाड़ियाँ वहाँ से आती जाती हों, यानी पुलवामा जैसी एक बड़ी वारदात को ये लोग अंजाम देना चाहते थे। दोनों लोग तो कल मारे गए, लेकिन इनका एक पाकिस्तानी साथी जिसका नाम अबू रफिया बताया गया है, वो अभी भी सुरक्षा बलों की गिरफ्त से बाहर है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि 40 किलोग्राम विस्फोटक उस शख्स के पास हो सकता है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में इस विस्फोटक को लेकर कोई बड़ी साजिश रची जा सकती है। विकास, बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर ओम प्रकाश आप जानकारी दे रहे हैं, ये बड़ी साजिश और 40 किलो विस्फोटकों के साथ ये बड़ी साजिश रची जा रही थी। कुछ और भी खुलासे हुए हैं क्या? कुछ और ऐसे आतंकी, ऐसे कमांडर्स जिन तक पहुंचना अभी बाकी है जो साजिश का हिस्सा रहे हैं? बिल्कुल शिरीन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका साथी जो पाकिस्तानी ही है, और सबसे अहम बात यह है कि फुरकान जो है आईएसआई के टॉप कमांडर्स और लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर्स से सीधा जुड़ा हुआ था और उनसे सीधी बात करता था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय लोगों की किलिंग का जिम्मा भी उसको, जिन लोगों की साजिश में शामिल थे उनमें से फुरकान एक था। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों जो किलिंग्स हुई थी उनमें 10 से 12 लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार भी उसे बताया जाता है। इस पर 5 से 7 लाख रुपए का इनाम था और A+ ग्रेड का ये आतंकवादी था। इसके कुछ साथी अभी भी जम्मू कश्मीर में छुपे हुए हैं जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। शिरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी आपका इस जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ ओम प्रकाश तिवारी के जरिए आप सबसे पहले बीपी न्यूज पर देखेंगे। ABP News आपको रखे आगे।